दिस इज मी सबा उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तो गाइस यहां पे हम लोग करने लगे हैं नाश्ता, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है 11:30-12 का, और बच्चों को तीनों बच्चों के गले खराब हुए हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सूखी खांसी है, और इनफैक्ट मेरी खुद की खांसी जो है वो भी नहीं ठीक हो रही। तो बस ये है कि हम लोगों ने आज सब बच्चों को मैंने दूध पत्ती के साथ चाय रस मतलब खिलाया, और अब जो मैं खाने लगी हूँ ना, मैं मेरा मोस्ट फेवरेट, जब मुझे कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता ना तो ये प्लेन ब्रेड के ऊपर मैं मलाई लगाती हूँ और चाय में डिप करके खाती हूँ। उफ, बहुत ज्यादा मजे का होता है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इसको। और ये है जी मेरा नाश्ता, गर्मा गर्म चाय, और ये है जी ब्रेड मलाई। तो गाइस आज मैं अपने बालों के साथ एक रेमेडी करने लगी, सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अगर तो इसका फायदा मुझे होता है तो आपको भी साथ साथ फायदा हो। तो उसके लिए हमें चाहिए जी एक मेन इंग्रेडिएंट, जो कि हमारे घर के ऑब्वियसली किचन में हमारे रहता ही रहते, क्योंकि इसके बगैर हमारा किचन जो है वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बगैर खाना भी नहीं बन सकता। वो है जी प्याज, अनियन, और अगर आपके बालों की लेंथ जो है वो काफी हद तक लंबी है तो आपको दो प्याज इनफ, ठीक है। और अगर आपके बालों की लेंथ है जी मेरे जितनी, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने करा ली थी कटिंग, मुझे लंबे बाल जो है वो बहुत कम अच्छे लगते हैं, छोटे लंबे बालों से होते जी, आपने कहीं आना जाना होना तो हेयर स्टाइल जो अच्छी नहीं होती है आपको स्पेशली किसी से बनवानी पड़ती है। तो गाइस मैंने तो बालों को जुड़ा करना और क्लिप जुड़ा करना क्लिप, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बालों के साथ सिर्फ जुड़ा 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 जुड़ा, तो इस वजह से मैंने बालों की करा ली थी कटिंग, ताकि फटाफट बंदे ने बाल खोले, थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह बनाया और बस ठीक हो गई। तो मैंने सोचा कि बालों की केयर करना जरूरी है, आगे आने वाले जी रमजान, तो यही हमारे पास जो दिन है इसमें हम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिए थी 2 अदद प्याज, आई थिंक मेरे बालों में 1 अदद प्याज भी इनफ है। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज, बच्चे लगे हुए अपनी मस्तियां करने, तो मैंने सोचा कि यार जब तक मैं फारिग हूँ तो मैं भी अपने बालों की थोड़ी सी केयर कर लूं। तो इसके लिए हमने प्याज लिए छीले, ये मैं आपके सामने बल्कि छील रही हूँ क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग इफेक्टिव है। रेहान प्लीज बेटा शाउट नहीं करते, आप अपनी मूवी इंजॉय कर रहे हो तो शाउट नहीं ना करो प्लीज, ऐसे दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। रेना बाहर आ जाओ, प्याज छिल गया हमारा एक, रेन, और ये है जी हमारा सेकंड, खैर मैं रेन को लेकर आती हूँ। तो जी ये है हमारा सेकंड प्याज, अच्छी तरह से छीलते हैं इनको, छीलने के बाद हमारे पास जो प्याज की शक्ल आने वाली है ना वो है जी ये खूबसूरत से प्याज, जिनको छीलने के बाद हमारी आंखें भी ना साफ हो जाती है, क्योंकि आंखों से आपके जो गंदा पानी होता है ना वो निकल जाता है। अच्छा हमने बड़ों के मुंह से सुना हुआ है जितना भी पानी होता है ना आंखों का गंदा वो सारा निकल जाता है, आंखें एकदम से शफाफ हो जाती है, बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा। आप यहाँ बैठ के अगर 4 मील दूर देखेंगे ना तो आपको ऐसा फर्स्ट क्लास नजर आएगा, जैसे आप कैमरे को जूम करके देख रहे हैं। अच्छा खैर बातें तो मेरी चलती रहेंगी साथ साथ। तो ये है हमारे प्याज, आप चाहे इसको ग्राइंड कर लें, आप चाहे इसको कद्दूकस कर लें, आप पर डिपेंड करते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ करूंगी इसको ग्राइंड क्योंकि मेरे नेल्स लंबे हुए हैं, तो जब अगर मैं इसको कद्दूकस भी करती हूँ ना क्रश करते करते मेरे नेल्स जो है ना वो बस टूट जाने, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नेल्स ना टूटे। और ये है हमारे पास ग्राइंडर, तो जी प्याज करवा पड़ना शुरू हो गया आंखों में भी मुंह में भी। तो जी ये हम इसको काटेंगे, धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये मैंने काटा प्याज दान ध्यान से, छोटे छोटे क्यूब में मैंने काट के इसको डाल रही हूँ जी ग्राइंडर में, ताकि ये जो हमारा प्याज है ना अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो ये मैंने डाल दी इसमें क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए इसका पानी, ठीक है जी। ये जो रेमेडी है ना बेसिकली ये मैं बालों के लिए बना रही हूँ, एक सीरम टाइप, ठीक है जी। आप इसको बना के रख दें, मैक्सिमम 2-3 डेज ये इजीली आपके निकाल देगी, मैक्सिमम वीक भी निकाल देगी अगर आप इसको फ्रिज में अच्छी तरह से सेव करके रखते हैं, आपकी स्मेल जो है वो दूसरे बालों को नहीं लगती, ठीक है। और ये डाल दी मैंने, चाहे थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, नहीं तो आप इसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हम अब इसको करते हैं ब्लेंड, ब्लेंड करके वापस मिलते हैं। यहाँ पे
ब्लेंड हो गए और ये हमारा हो गया है जी प्याज का पानी रेडी। अगर तो आप इसको कद्दूकस करते हैं तो वो बिल्कुल एक थिक सा पेस्ट निकलेगा जिसमें आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप इसको ग्राइंडर में ब्लेंड करते हैं ना तो मैक्सिमम 4 to 5 जो टेबलस्पून है ना वो आपको पानी के ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये ब्लेंड नहीं होगा अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, मजीद हम थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करते हैं, पर पहले हम इसको अच्छी तरह ना स्ट्रेनर से छानेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह ना स्ट्रेनर से छानेंगे, उससे ये होगा कि हमारा जो मिक्सचर है ना वो जरा अच्छी तरह से बाहर भी आ जाएगा और जरा मिक्स भी हो जाएगा। तो ये देखें अब हमने इसको अच्छी तरह से स्ट्रेनर से करना है मिक्स, ठीक है जी। ये देखें स्ट्रेनर से हम इसको छानेंगे ताकि जो एक हमारे पास एक सेकंड अभी ये मूवी एंड होती है ना इसके बाद दोबारा लगेगी, ये तो बहुत थिक पेस्ट है निकली तेरा। इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यस बेटा आप छोटे हो, मुश्किल से निकलेगा बट निकल आएगा। यस हाँ जी आप छोटे हो ना, अभी सारे छोटे होते हैं फिर ऐसे ही बड़े होते हैं ना बेटा। तो गाइस ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है मुश्किल से निकल रहा है पर निकल रहा है, ठीक है। हमें बिल्कुल इसका खालिस पानी चाहिए था जिसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना था ताकि हमारी स्प्रे बॉटल में इजीली एडजस्ट हो जाए और हमारी स्कैल्प पे अच्छी तरह से हमारी रूट्स पे लगे, क्योंकि प्याज का जो मेन काम है ना वो रूट्स पे ही लगना होता है। मैं आंखों से पानी निकलता प्लीज आंखों में कुछ लगाइएगा, मुझे तो इनफैक्ट आदत है मेरा इतना पानी नहीं निकलता आंखों से, बट ये है कि देखिए आपके सामने मैंने ग्राइंड भी किया इतना पानी नहीं आया मेरी आंखों में। तो जी ये हमारा बस तकरीबन पानी जो है ना निकल आया प्याज का, ये और जितना अच्छी तरह से आपका ये पानी निकल जाएगा ना या आपके रूट्स को इतनी अच्छी तरह से आपके बालों पे लगेगा कि आप लोगों को अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलेंगे और आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, इनफैक्ट आप लोग दुआएं देंगे, क्योंकि जो मेन चीज आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं ना तो लोग परेशान होते हैं कि यार क्यों उतरे। हम लोग शैम्पू भी यूज करते हैं कंडीशनर्स भी यूज करते हैं बट हमें वक्ती तौर पर रिजल्ट मिलते हैं, बाल हमारे रुकते नहीं है, हेयर फॉल बहुत होता है, बट ये है कि इससे हमारे बाल जो उतरेंगे बिना वो वापस आएंगे। प्याज एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा लगता है आपके बालों में बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है, क्योंकि मैं बालों में प्याज वीक में लाजमी लगाती हूँ 2 to 3 वीक में ना मैंने अभी देखी बिल्कुल हमारे पास खास निकला था प्याज का, उसमें मैंने बिल्कुल 6 to 8 tablespoons मैंने इसमें पानी डाला और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, थोड़ा सा मेस क्रिएट करेगा बट कोई बात नहीं। लो जी ये देखिए जी ये हमारे पास स्प्रे बॉटल थी और मैंने इसमें डाल दी है जी प्याजों का पानी, कुछ ऐड नहीं किया सिर्फ प्याज है, और ये देखिए प्याज खैर अब हम इसको अप्लाई करेंगे जितनी रूट्स पे। मैं भी दिखाओ आपको भी दिखाती हूँ, रियान कह रहे हैं मम्मा मुझे भी दिखाओ, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये हमने बना लिया ये अब मैं अपने बालों पे करूंगी रूट्स पे करूंगी स्प्रे, और जब ये थोड़ा सा यूज हो जाएगा क्योंकि मेरे बालों में मैं काफी स्प्रे करती हूँ और ये बाकी मैं बॉटल में फिर फिल कर लूंगी। तो जी अब लगाते अब टाइम आता है अपने बालों पे स्प्रे करने का, तो लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने बालों में अच्छी तरह से करने लगी स्प्रे, स्प्रे बॉटल मैंने अच्छी तरह से शेक किया है क्योंकि ये है सारा प्याज का पानी, आप इसको अनियन सीरम भी कह सकते हो, ये होममेड सीरम है जो कि मैं अपने बालों के लिए बनाती हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जी चले अब मिरर के सामने खड़े होके इसको अच्छी तरह से आपने करना है स्प्रे बालों में, और आपने स्कैल्प पे करना है स्कैल्प, क्योंकि मेन काम इसका स्कैल्प पे है। ये देखें फर्स्ट सेकंड जितनी रूट्स पे आप लगाएंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप कॉटन से भी इसको अपनी रूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, मेन काम है सिर्फ रूट्स पे अप्लाई करना,
ये तो हमने स्प्रे बॉटल में सिर्फ इसलिए डाला है ताकि हमारे जो हाथ है वो जरा अच्छी तरह से रूट्स पे अप्लाई हो जाए। समटाइम कॉटन से भी हम लगाए ना, तो अब ये देखे मेरा फ्रंट सारा कितनी जल्दी हो गया है। ठीक है जी, और अब हमारा इसी तरह हम अपने सारे बालों में इसको करते हैं अप्लाई, और ये देखें यूज भी होना शुरू हो गया है। और जहां तक मुझे लगता है मेरे सारे बालों में मैं बहुत यूज करते करते हाफ बोतल जो है वो निकल जानी है। मैं इसको करती हूँ अपने बालों में सारा अप्लाई और फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से अपने बालों को फ्रंट एरिया तो जो मैंने अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया, और अब जो नेक्स्ट वाला है ना वो मैंने अपने रूट्स के साथ साथ मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने नीचे वाले जो बालों के लोअर पोर्शन है इसको भी अच्छी तरह से स्प्रे कर दूं, क्योंकि इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खैर करते करते मेरी आंखों में भी जा रहा है, पर कोई बात नहीं। तो जी ये हमने अच्छी तरह से कर लिया स्प्रे बालों में, बालों पे सर की कोई भी रूट जो है वो रह ना जाए, अच्छी तरह से आपने सर पे करना है अप्लाई, और नहाने से मैक्सिमम 2 घंटे पहले लाजमी करें। क्या हुआ रेहान? अच्छा उतार देती हूँ, मैंने लाइन रख दिया था ऊपर, उतार देती हूँ अभी। जी देखिए अच्छी तरह से स्प्रे हो गया, मेरे सारे बाल ड्राई हो गए और देखिए यूज भी हो गया। अब जो थोड़ा सा स्पेयर बचा था ना वो मैं डाल के वापस रख दूंगी। ओके थैंक यू रियान, यू आर सो क्यूट, थैंक यू। ये जी मेरे बालों में हो गया अच्छी तरह स्प्रे जी। नहीं ये मैंने बालों के लिए बनाया। आपको स्मेल आ रही है? ये अच्छी तरह से जी मैंने कर दिया स्प्रे, और स्प्रे करने के बाद हम इसको कवर करते हैं। मैंने इतनी अच्छी तरह अपने बालों को स्प्रे कर लिया ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे बालों में बाल फुल स्ट्रेंथ ड्राई हो चुके हैं। और देखिए कितना मैंने यूज किया है, और ये बहुत इफेक्टिव है, आपने जरूर इसको ट्राई करना है। इसके बाद बालों में टैंगल जो है वो बहुत कम पड़ते हैं, बाल इतने सॉफ्ट है। देखें सारे मेरे बाल जो है वो अच्छी तरह से गीले हो गए, मैंने रूट्स पे सारा ओवरऑल लगाया है। ठीक है जी, अब हमने इसको करना क्या है, अच्छी तरह से आपने इसका बनाना है जी जूड़ा। जूड़ा बनाने के बाद मैंने अपना क्लिप कहाँ रखा है? चलो जी क्लिप कहाँ गया पता ही। उसके बाद आपने इसमें पहननी है कैप, मेडिकल वाली जो कैप नहीं मिलती है लाइक, वो आपने इसके ऊपर पहननी है अगर आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, हमारे पाकिस्तान में लिफाफे जो है वो उनकी कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, आपने इसको चढ़ाना है ऐसे और छोड़ देना है। ठीक है जी, मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे जाते हैं ना तो आपने 2 आवर्स के लिए इसको अपने सर पे ऐसे चढ़ा लेना है। क्योंकि अगर तो आप दूसरे आदमी के पास या बंदे के पास जाते हैं, लाइक कोई भी पर्सन आपके पास खड़ा हो, आपके फैमिली मेंबर भी खड़ा हो, तो उसको आपसे प्याज की बहुत स्मेल आने वाली, क्योंकि आपके सर में सिर्फ और सिर्फ प्याज है। तो आपने करना क्या, कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले, तो आपको पता है कि आपने किचन के सारे काम करने हैं, घर के काम करने हैं, क्या हो, तो आपने इसको करना है सर के ऊपर इस तरह कवर, और फटाफट अपने काम खत्म करने हैं। और आपने जाना है जी नहाने, अपने सर को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश आपने कैसे करना है, 3 से 4 बार आपने अच्छी तरह से शैम्पू करना है, तब आपके बालों से जो प्याज की स्मेल है वो टोटली खत्म हो जाएगी। मैं मैक्सिमम 3 टाइम्स अपने बालों की, मेरे बाल की लेंथ अब छोटी हो गई ना, तो मैं 3 टाइम्स अच्छी तरह से शैम्पू करती हूँ अपने बालों को, अच्छी तरह से मसाज करके तो मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मेरे बालों में से प्याज की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये लोग जो सोचते हैं कि प्याज की स्मेल नहीं निकलेगी, प्याज बहुत स्मेली होता है, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज की स्मेल जो है आफ्टर 2 to 3 टाइम जो है वो चली जाती है। मैं 3 से 4 बार शैम्पू अप्लाई करती हूँ अपने सर पे, उसके बाद प्याज की स्मेल टोटली खत्म हो जाती है। तो जी अब भी हो गया, मेरे बालों को कवर कर दिया मैंने अच्छी तरह से। तो गाइस फटाफट से अभी हम लोगों ने अपने बाल जो है वो फ्रेश करने हैं, क्योंकि अच्छी तरह से अपने बालों को करके मैं इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि जब मैं वॉश करके आऊंगी ना तो भी मैं आप लोगों के साथ क्लिप जरूर शेयर करूंगी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे जी बच्चों को लेके पार्क, और पार्क हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमें पार्क विजिट्स करने का बहुत ज्यादा शौक है, हम डिफरेंट डिफरेंट पार्क जाते हैं विजिट करते हैं, क्योंकि हम इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि ये वो टाइम है जो आप बच्चों के साथ इंजॉय करें तो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। क्योंकि कल को खैर से बच्चे ने बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर आपको ये टाइम नहीं मिलता। अब आपके पास ये जो टाइम है ना, ये गॉड गिफ्टेड टाइम है, इसको आप वेस्ट किए बगैर आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, मतलब
हर चीज को मैनेज करके लेके चले तो फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी खुशगवार होती है। तो जी चले चलते हैं, बालों को छोड़ते हैं 2 घंटे के लिए, उसके बाद फ्रेश करके फिर मैं आपके बालों का जो रिजल्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चले चलते हैं क्योंकि उसके बाद चेंज करेंगे, अभी बहुत ज्यादा रूटीन पड़ी है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो हमारी न्यू आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिले। और साथ साथ हमारे साथ बच्चों की मस्तियां होंगी, हम बच्चों के साथ खेल कूद करेंगे। तो चले चलते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्राइज, यहाँ पे मैंने आलू कर लिए, यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म जो चिप्स है वो तैयार होने वाली है तकरीबन। और जी गर्मा गर्म समोसे जो कि मैं खा रही हूँ। तो जब तक मेरे बालों का जो सिरम मैंने बालों पे लगाया था प्याज वाला, जब तक वो हमारा ड्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं समोसे इंजॉय कर रही हूँ, बच्चों के लिए चिप्स बना रही हूँ, खाते हैं उसके बाद सर को करते हैं वॉश और फिर रिजल्ट जो है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो लेट्स सी, मिलते हैं। तो गाइस ये देखें मैंने बालों को कर लिया जी अच्छी तरह से वॉश, और आप ये देखें मैंने कॉम वगैरह कुछ भी नहीं की, सिर्फ मैंने नहाई हूँ और मैंने बालों को थोड़ा सा ड्राई किया है क्योंकि ये देखें कितना वॉल्यूम आ गया बालों में, ये देखें और कितने सॉफ्ट कितने शाइनी, देखें फिंगर कॉम कर सकते हैं आप अपने बालों को। इनफैक्ट इतना अच्छा रिजल्ट होता है, अगर आप इसको वीक में 2-3 times भी अगर लगा लेते हैं ना तो मेरे ख्याल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। घर की चीज है, घर पे आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे, और अगर आप आपके पास टाइम नहीं होता तो आप मंथ में एक बार कर लें। कितने अमेजिंग, मतलब मुझे अपने बाल खुद अच्छे लग रहे हैं। फिंगर कॉम आप कर सकते हैं इनको, और अभी मैंने कॉम नहीं किया इनको एक, तो टैंगल्स वगैरह बिल्कुल निकल जाते हैं इससे। और अभी मैंने बना के ना रख दिया स्प्रे बॉटल में, ताकि मैंने उमर को भी बोला कि आप भी सुबह उठ के इसको अपने बालों पे लगाना है और देखिएगा आपको रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलेंगे, कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो गाइस ये देखें कि ये मेरे लिए तो ये पास हो चुका है, तो आप जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ जी अच्छा, मैं आपको क्लियर भी दिखा सकती हूँ, ये देखें बालों में शाइन चेक करें, बालों का वॉल्यूम चेक करें, और ये देखें कितनी शाइन आ रही है बालों में, कितना अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, कितने सॉफ्ट सिल्की शाइनी हेयर्स हो गए हैं, ये देखें। अरे अमेजिंग रिजल्ट्स है इसके, शाइन आपको नजर आ रही होगी देखें। और अब जब मैं इसको कॉम करूंगी तो ये और प्लेन हो जाएंगे बाल, वैसे मेरे बाल हैं ही स्ट्रेट, फुल स्ट्रेट, मैंने कभी स्ट्रेट किए ही नहीं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इसके, जरूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने कर लिए जी अपने बाल जो है वॉश, और मेरे बालों का आप टेक्सचर देखेंगे इतना सॉफ्ट हो गए, ओ माय गॉड, आप यकीन करें मुझे अपने बाल इतने अच्छे लग रहे, इतने सॉफ्ट हो गए इस सीरम की हेल्प से, बहुत अमेजिंग सीरम है ये देखिए। इसको मैंने सेव करके रख लिया है, ये मैंने सुबह अपने हस्बैंड को देने के, वो भी अपने बालों पे इसको लगाएं ट्राई करें। मैं जो रेमेडी बनाती हूँ वो मैं खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ कि इसको आप जरूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दिएगा। तो फिर जब एक फीडबैक अच्छा मिलता है ना, फिर मुझे तक मैंने एक अच्छी चीज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गाइज ये देखें इतने सॉफ्ट बाल, इतने बालों का सॉफ्ट टेक्स्चर, आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतने अमेजिंग। मुझे अपने बाल इसलिए अच्छे लगते हैं कि मैं उनका ख्याल रखती हूँ, और अब छोटी लेंथ इसीलिए करवा ली है। ये देखें बाल कितने सॉफ्ट है, आप इनको जैसे मर्जी फिंगर कॉम करें, ये देखें अभी मैंने कॉम वगैरह कुछ भी नहीं किया, ये देखें हल्का सा मैंने सिर्फ इनको हेयर ड्रायर से किया है ताकि जो बाल है ना वो जरा जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि फिर रात हो गई तो फिर मुझसे वीडियो बननी ही नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली कामों में मसरूफ हो जाता है बंदा। तो ये देखें ओ माय गॉड, सी ये मेरी एक स्पेशल रेमेडी है, एक स्पेशल सीरम है जो बनाती हूँ मैं, लगाती हूँ। और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा सपोर्ट भी करना है, और साथ ही साथ अब हम खेलते हैं बच्चों के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे और जाएंगे पार्क बच्चों के लेके। तो लेट्स गो, फटाफट से बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाते हैं क्योंकि हमदान रान और हुरैन इनको अच्छी तरह से हमने खिलाना है, थकाना है, थोड़ा सा थकेंगे उसके बाद हम लोग लेके जाएंगे इनको पार्क, वहां पे थकाएंगे और फिर वापस आने के बाद फिर मिलते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गो।
मेरे साथ कौन कौन खेलेगा? चलो जो मामा के साथ खेलेगा हम जंप करते हैं। चलो हम दानी को जंप। वन टू थ्री, चलो सब जंप करते हैं। चलो मैम अब आप जंप करो। नहीं लगती मुझको चोट, मामा तो बड़ी है। चलो आ जाओ, आप भी आओ, खड़े हो। वन टू थ्री जंप, वन टू थ्री जंप। वो देखो भाई जंप करने लगा। वन टू थ्री, भैया का हैंड पकड़ो, खड़े हो खड़े हो। भाई का हैंड पकड़ेगा, पीछे देखा हुआ है।
तो पानी पानी हो गए, हर जगह पानी पानी हो गए है ना। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनक ऐसी। नहीं लग रहा पता नहीं काला रंग, वैसे एक कौवे को देख के वैसे ही उलझन होती है। इन्होंने इतने इकट्ठे होते ना ऊपर आसमान देखिए कितना बड़ा बड़ा। आंटी को देखे किधर गए, अरे नीचे आ गए। ये अच्छे खासे ये डालते रहो ना चीजें खत्म हो जानी है, कबो ने नहीं खत्म होना है ना आंटी। दुआ देंगे क्रो को डाल के जाके क्रो को डालें, सारे अच्छी तरह से डालने हैं, ऐसे नहीं अच्छी तरह से तोड़ के डालने हैं। हमदार ऐसे अच्छी तरह से मसल के इसको डालें, प्रेस करें ऐसे करके प्रेस करें, दिखाएं मैं दिखाऊं। ये देखो ये जूम, आज अभी क्रो आ जाएंगे सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डाल दो सारे, डाल दो उनको डाल दो, ओए डालो। मैं देख अपने सर पे रखे नहीं, ये मुंह सिर्फ आर्टिफिशियल है, थोड़ी देर के लिए ही आता है। पैर के घुटने से आके उठाते हैं कि नहीं उठाते, पास डाल दिया ना सारे कबों ने, पास पास आना शुरू कर देना, ओ बचाओ बचाओ बचाओ। चलो जी सारे कवे आगे खाना खाने, जिस भी पार्क में चले जाओ इतना पानी इतना पानी। अब यकीन करें कि हर जगह इतना रश हुआ पड़ा था और अच्छा खासा पानी था, और बच्चे पानी जहाँ देखते वहीं पे वो खेलने लग जाते। तो मेरा ये था कि चलो जी पानी से थोड़ा सा दूर हटके बंदा खेले, तो जिस पार्क में एंटर हुए वहाँ इतना पानी इतना पानी। फिर हम लोगों ने वो पार्क चूज किया जहाँ पानी नहीं था, झूले थे, बच्चों को थोड़ा खिलाया इंजॉय कराया, बच्चे भागे दौड़े खेले, तो बस ये था जितना इंजॉय कर सकते कराया, फुटबॉल वगैरह उनके साथ खेले, उनके साथ भागे दौड़े। और हमदान को स्विंग बेसिकली बहुत पसंद है, वहां पे उसे स्विंग नजर नहीं आई, तो उसने घर आके वापस घर के पास एक पार्क है वहां जाके उसने स्विंग ली, उसने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। खैर सो गाइस यहाँ पे हम लोग बच्चों को खिला खिला के वापस आ गए हैं, पार्क से थक हार के हम वापस आए, हम लोग बैठ गए, अब बच्चे भी थक गए हैं, तो अब टाइम जो है वो 7:45 का हो रहा है, और हम सब थक थक के आ गए हैं, बच्चों ने अच्छा खासा इंजॉय किया खेला। और तो गाइस आज का व्लॉग जो है हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। सो आप लोगों को आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।